तो आज हम लोग आ गए हैं कैफे टॉम। नानावा ने बोला कि चलो आज कोरियन डिश ट्राई करते हैं, एंड हम लोग आ गए हैं कैफे टॉम के लिए। ट्राई करते हैं कैसा है अंदर का खाना। पहले तो ऑर्डर करना होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। ये देखिए ओनर है एंड उनकी वाइफ, जो कि दोनों कोरिया से हैं। नाइस 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 प्लेस। ये रहे कोरियन लोग। न्यू टैलेंट रिलीज, न्यू टैलेंट डिस्कवर्ड। Hey guys, welcome to our next food blog. So we are here in a new Korean cafe in Kolkata. The name is Cafe Tau, and today we have ordered four dishes. First is cafe bubble mocha latte. Second is tteokbokki. Third is dakgalbi, and fourth is buldakgyeong. Okay. Bulldog, yeah. Bulldog young. Bulldog okay. Young. Yeah. So let's start with tteokbokki. Yeah. We're still trying. I'm not fit to push it. ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ें, ऐसे जैसे पेंसिल पकड़ते हैं ना, पेंसिल पेंसिल फिर इसको ऐसे पकड़िए। चेस गाइस, चेस गाइस, फिर से खाते हैं गाइस। तो कैसा लगा प्रणव जी? एक नंबर। तो स्पाइसी है और इसको राइस केक बोला जा रहा है। स्पाइसी तो है। बोल दो। जो हम लोग पीठा बनाते हैं वैसा ही है, बस अंदर फीलिंग्स नहीं है, पूरा राइस से बना हुआ है। राइस केक है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग बुलडक में जाएंगे, जो कि नूडल बेस्ड है, तो ठंडा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी खाते हैं नहीं तो गंदा लगेगा। कैची लाओ, कैची कैची प्रणव जी ने जैसा सुर करके खाया वैसे ही कोशिश कीजिएगा, बहुत स्पाइसी है। और ये जो मैं खा रहा हूँ ये शायद से कैबेज है, जिसको मैरिनेट करके बनाया जाता है, ताकि आपका मुँह का टेस्ट अच्छा है, ज़्यादा ओवर पावर ना हो। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, हम लोग आगे जाएंगे अब दुर्गा पूजा पंडाल हॉपिंग करने के लिए। Let's go guys. Thank you.
एंड यहाँ पे रोड में पूरा पेंटिंग किया गया है। भाई हमको सही में नहीं समझ में आती है लोग इतना दूर क्यों चलाते हैं यार। चला चला के थका देते हैं, ये क्या है भाई। ओके अगरबत्ती का एडवर्टीजमेंट है, बड़ा सा अगरबत्ती रेड ऊपर लगा है, जल रहा है जैसे। अभी हम लोग आ गए नेक्स्ट पंडाल में एंड यहाँ भी बैम्बू लगे हुए हैं सारा। एंड ये है यहाँ का पंडाल। ओके तो ये जो आप देख रहे हैं रेड एंड ब्लैक रेड एंड वाइट कलर के जो दिख रहे हैं वो दुर्गा माँ की साड़ी है पूरी, जो कि एक पूरा इधर से ये अभी हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पंडाल में और यहाँ पे भीड़ बहुत है। एंड सामने आपको पंडाल दिख रहा होगा एंड यहाँ पे जो पंडाल बनाया गया है दुर्गा माँ के फेस से ही बनाया गया है। फेस बस थोड़ा सा फेस को 90 डिग्री उल्टा किया गया है, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री।
अभी हम लोग जा रहे थे एक और नए पंडाल बस, जो कि हमारे लोकेशन से था 17 किलोमीटर दूर। एंड अभी हम लोग राइड कर रहे थे इस रास्ते पे, तो बीच में ही हम लोग रुक गए हैं चाय पीने के लिए। फिर चाय जैसे ही पी के ख़त्म होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम भाई। राइड कर करके थक गया बहुत। कोलकाता का रास्ता बहुत ख़राब होता है भाई, कब गड्ढा आ जाए, कब गटर का धक्का ना जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अभी तो यहाँ से और 10 मिनट का रास्ता है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सही बोल रहे हैं ना गाइस, क्या बताना। तो देखो बात ये कि अगर उस गेट से जाते हम लोग, तो हम लोग को बस ये अंकल को थोड़ा संभालना पड़ता और हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन ये स्नान वाले जिस रास्ते से ले जा रहे हैं उसमें 15 मिनट लगेगा। तो बाद में बताना तुम लोग। तो अभी हम लोग आ गए हैं जोधपुर, एंड यहाँ पे जो ब्रिज जो पंडाल है उसका थीम है लंदन ब्रिज। तो चलिए देखते हैं कि क्या सीन है अंदर का, क्योंकि इतने दूर से आए हैं तो कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए यहाँ पे, नहीं तो हम लोग का जो भी इतना डिस्टेंस आना रहेगा वो वेस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भीड़ नहीं था, बट यहाँ पे बहुत भीड़ है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा अरसलन बिरयानी भी, एंड वहाँ पे लाइन बहुत बड़ा है गाइस, बट फिर भी हमें लाइन में जाना पड़ेगा क्योंकि आगे गार्ड खड़े हैं। चल जाए इधर से। भाई बंगाली में लिखा हुआ है तो नहीं पढ़ पाऊंगा, एंड फोटो दिख रहा है लंदन ब्रिज का। ओ उधर देखे सिंगल लाइन, सिंगल लाइन सिंगल लाइन। और ऊपर जाओगी तो फोटो अच्छा आएगा। हम लोग आए थे गाइस लंदन ब्रिज देखने के लिए, बहुत अच्छा था। और पंडाल दिखा रही है, लोग इतने खुश हैं, चेहरा देखो इनका खिला खिला हो गया पंडाल देख के। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, एंड यहाँ से जाएंगे एक जगह है जहाँ पे हॉगवर्ट्स बना है। अब लंदन ब्रिज तो देख ही लिए, तो हॉगवर्ट्स भी देख लेते हैं। अगर वहाँ ख़राब रहा तो हम लोग चले जाएंगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद है हमारा, बस अच्छा हो।
नाराज कर दिया इन लोगों ने, पूरा ब्लूइस है। अब अंदर देखते हैं भाई मूर्ति कैसा है। चलते हैं हम लोग कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब तो खत्म हो गया सारा।